नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। जी हां दोस्तों, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहां पे दोस्तों ITI और डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। टोटल 4000 पोस्ट के लिए यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे, वहाँ पर ले आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी वैकेंसी आया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिल ऑनलाइन फॉर्म 2019 फॉर 3895 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर पोस्ट। जी दोस्तों, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आया है। यहाँ पे 3895 स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे पोस्ट नेम की अगर हम बात करें, स्किल्ड मैन पावर के लिए 1402 पोस्ट है, अनस्किल्ड मैन पावर के लिए यहाँ पे 2493 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3895 पोस्ट है। अप्लाई मोड जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म, जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हु कैन अप्लाई दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे स्किल के लिए दोस्तों यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम 45 साल रखा गया है। अगर हम बात करें अनस्किल्ड के लिए, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 55 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रखा गया है और SC ST के लिए 250 रुपये रखा गया है। पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों आपको NEFT और RTGS इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। जी दोस्तों, आपको RTGS और NEFT के थ्रू यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्किल मैन पावर के लिए दोस्तों यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और वायरमैन एज रिकॉग्नाइज बाय NCVT और SCVT और हायर टेक्निकल डिग्री इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड और विथ सेल प्रोसेस ओवरहेड सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जी दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में यहाँ पे सर्टिफिकेट है आपके पास, ITI सर्टिफिकेट, या तो फिर आपने NCVT सर्टिफिकेट है आपका एज ए वायरमैन, तभी आप, या तो फिर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है इंजीनियरिंग, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अनस्किल्ड मैन पावर की अगर हम बात करें, यहाँ पे केवल 8वीं पास रखा गया है। यहाँ पे बताया गया 8th पास फ्रॉम एनी एजुकेशनल बोर्ड और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट। अगर आपने 8वीं पास है तो आप यहाँ पे अनस्किल्ड मैन पावर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, यहाँ पे शुड हैव रीडिंग एंड राइटिंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड एटलीस्ट रीडिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए, उसके साथ साथ इंग्लिश में पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अनस्किल्ड मैन पावर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल्स में दी गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन अप्लाई वो 8 नवंबर से शुरू हो गया, लास्ट डेट यहाँ पे 18 नवंबर को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, उसके साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।